Hey guys, welcome or welcome back to my channel Flossom Purbasha. Hope you all are doing great. आप सब बहुत मजे कर रहे होंगे दुर्गा पूजा में, नवरात्रों में. So guys, अभी फिलहाल का ये प्लान है कि हम जाएंगे मेरे पेरेंट्स के घर. अभी हो रहे हैं 11 सुबह के एंड हमारा प्लान है वहाँ के दुर्गा पूजा में पुष्पांजलि देना होता है, वो सुबह देंगे. सो गाइज, अभी निकलते हैं घर के लिए एंड क्योंकि आज पुष्पांजलि देना है, हम लोगों ने सुबह से एज सच ब्रेकफास्ट नहीं किया है, जस्ट फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो आप पुष्पांजलि के पहले. गाइज, पुष्पांजलि के लिए मैंने एक शरारा सूट पहना है विच इज फ्रॉम वेस्ट साइड. मैं आप लोगों को साइड में उसका फुल व्यू दिखा दूंगी एंड दिस इज वेरी कम्फर्टेबल. एंड क्योंकि मुझे आज जल्दी निकलना था, जल्दी तो क्या 11 बज चुके हैं एंड साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता. एंड मैंने यही सोचा है कि जो अष्टमी का लुक है सुबह का, थोड़ा सा सॉफ्ट सटल लुक है, लेट्स गो फॉर नाउ. अभी हम ज्यादा लेट नहीं होना चाहते. गाइस, हम पहुंच गए थे दुर्गा पूजा में और जाते ही हमारा पुष्पांजलि का टर्न आ गया था. चलो दोनों अपना लुक दिखाओ. लुक दिखाओ. पापा क्या दिखा रहे हो आप? लेट मी शो यू गाइज माई पेरेंट्स अष्टमी लुक एंड माई फादर वॉन्टेड टू से समथिंग. ये पापा ने मम्मी को दुर्गा पूजा पे गिफ्ट किया था और एक सिमिलर ऐसी गोल्डन में साड़ी मुझे गिफ्ट करी थी. बोलो गारा हो स्टार्ट है खोल. साड़ी जो है भागलपुर से लेकर आए और ये मेरे बेटी के लिए भी लेके आया. लेकिन क्या है, वो बेटी वाला जो है आज मैच करके ही लाया था लेकिन बेटी पहन के नहीं आया. बेटी शाम को पहनेगी. गाइस, अनफॉर्चुनेटली मैं वो साड़ी इस बार दुर्गा पूजा पर नहीं पहन पाई, बट होपफुली मैं आगे किसी इवेंट पे उसको जरूर पहनूंगी. यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को रील के लिए पोज करना सिखा रही थी. आफ्टर क्लिकिंग सम पिक्चर्स हम लोग गए लंच करने. ये लंच का अरेंजमेंट सोसाइटी के बैंक्वेट हॉल में ही था एंड यहाँ पर प्रॉपर बंगाली फूड अवेलेबल था. गाइस, मेन्यू में बहुत ही टेस्टी बंगाली फूड था, दो इट वॉज वेजिटेरियन बट द मेन्यू वॉज प्रिटी गुड. मेन्यू में था बेगुनी दाल, चावल, आलू पोश्तो, आलू गोभी की सब्जी एंड आम की चटनी विच वॉज सो गुड. हे गाइस, सो मैंने सोचा अभी आप लोगों को दे देती हूँ एक अपडेट. आज है नवमी का दिन एंड आज हम दोनों का ऑफिस था, मेरा और अंकुर का. सो एज सच हमारा दुर्गा पूजा का कोई प्लान नहीं था, कहाँ जाना है या कोई और जगह के पंडाल्स एक्सप्लोर करने का कोई आज प्लान नहीं था. बट अभी बज रहे 8:30 रात के एंड वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग आउट. अरे अपने ही सोसाइटी में जा रहे हैं. यहाँ का दुर्गा पूजा हमने प्रॉपरली देखा नहीं था एंड गाइस, कल अष्टमी के दिन हम सुबह पुष्पांजलि देने गए थे एंड उसके बाद घर आकर काफी टायर्ड हो गए थे. कल रात में भी हम कहीं नहीं गए थे. चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ हमारे सोसाइटी के दुर्गा पूजा में. शुरू में दिखाई थी एक किताब और है. गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लॉसम फुलबाशा. आज है दुर्गा पूजा का लास्ट डे. आप सभी को हैप्पी दशहरा एंड शुभ हो दशमी टू ऑल माय व्यूअर्स. गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के घर. वहाँ पर होने वाला है सिंदूर खेला. वहाँ पे लास्ट दुर्गा माँ की पूजा होने वाली है एंड उसके बाद सिंदूर खेला, क्योंकि ये शादी के बाद मेरा पहला दुर्गा पूजा है. सो सिंदूर खेला भी मैं पहली बार अटेंड करने वाली हूँ. एक्चुअली अटेंड तो मैं करती हूँ बट ऑब्वियसली मैं सिंदूर खेला में पार्टिसिपेट नहीं करती
एंड दिस टाइम मैं पहली बार खेलने वाली हूँ, तो रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एंड मैं आप लोगों को भी साथ में लेकर चलूंगी। जो रिचुअल्स है मैं उसके थोड़े क्लिप्स एंड ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर करूंगी। गाइज मैं आज बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ और मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे देती हूँ अबाउट माई लुक। गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, ये साड़ी मैंने अपने फेयरवेल पे पहनी थी, क्लास अनु आई थिंक कॉलेज के फेयरवेल पे पहनी थी मैंने। एंड आई एम वेयरिंग दिस फॉर द सेकेंड और थर्ड टाइम, एंड बहुत मुश्किल से ये ब्लाउज फिट आया है मुझे। गाइज कमिंग टू द एक्सेसरीज, मैंने बहुत ही मिनिमल एक्सेसरीज रखी है। मैं आज गोल्ड ज्वेलरी पहन रही हूँ। ये है बंगाली ट्रेडिशन का शाखा पौला। एंड ये जो है ये मंगलसूत्र है। वैसे तो बंगाली कल्चर में मंगलसूत्र नहीं होता है, बट अंकुर के साइड से मंगलसूत्र होता है। सो दिस इज द बिहारी मंगलसूत्र। एक्चुअली मेरे पास दो टाइप के मंगलसूत्र है, एक तो जो वो ब्लैक बीड्स वाला है वो है, एंड ये उनका ट्रेडिशनल है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने पहना नहीं है, बट आज इस लुक के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, सो मैंने इसको पहन लिया है। अब मैं फुल लुक के लिए अंकुर को बुलाती हूँ, वो मेरा फुल लुक दिखा देगा, एंड जल्दी से निकलते हैं। सो गाइज ये है मेरा फुल लुक। वैसे तो मेरा प्लान था कोई दूसरी साड़ी पहनने का, बट मुझे लास्ट मोमेंट में पता चला कि शादा साड़ी लाल पाड़ पहनना है, विच इज व्हाइट साड़ी एंड रेड बॉर्डर, बट मेरे पास वो थी नहीं। एंड रेड साड़ीज में मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आई पर्सनली डू नॉट लाइक रेड साड़ीज अलॉट। सो मेरे पास एक ही रेड साड़ी थी, जो कि ये मेरी फेयरवेल की साड़ी है। ये मैंने हंसराज में जब थी मैं कॉलेज में, उसके ग्रेजुएशन आई थिंक फेयरवेल की ये साड़ी है। एंड बहुत मुश्किल से इसका मुझे ब्लाउज फिट आया है। इसका ब्लाउज बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा वर्क है इस पे, एंड बहुत जल्दी से ये ड्रेप भी हो गई। आई नो बहुत नीट एंड क्लीन ड्रेपिंग नहीं है, बट जल्दी में मैं यही कर पाई। रिंग्स में मैंने शाखा पौला एंड थोड़ी बैंगल्स पहन ली है। अभी घर जाने से पहले हमें मिठाई लेनी है, पान के पत्ते लेने हैं। मैं रस्ते में बताती हूँ ये सब क्यों चाहिए। लेट्स गो गाइस। गाइस दुर्गा माँ के विसर्जन से पहले दो इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं, देवी बोरन एंड सिंदूर खेला। देवी बोरन के लिए एक पूजा की थाली प्रिपेयर करनी होती है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। पूजा की थाली में रखने के लिए मैंने मिठाई ली थी कलाकंद, जो कि बहुत ही फ्रेश था एंड वो कम्प्लीटली मेल्ट हो गया मेरे घर जाते हुए। गाइस यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी पूजा की थाली, जिसमें कुछ पान के पत्ते थे, कुछ मिठाइयाँ थी, कुछ बने हुए पान थे, सिंदूर था एंड एक सिल्वर का कॉइन था जो सिंदूर अप्लाई करने के लिए यूज होता है, और कुछ पूजा के फूल। गाइस ये सारी पूजा की सामग्री देवी बोरन रिचुअल के लिए यूज होती है। सो गाइस लेट मी टेल यू अबाउट द रिचुअल्स देवी बोरन एंड सिंदूर खेला। देवी बोरन इज अ लॉन्ग प्रोसेस इन विच लेडीज ऑफर स्वीट सिंदूर एंड अदर आइटम्स टू द आइडल। इट इज प्योरली लेडीज फंक्शन एंड दैट टू ओनली मैरिड लेडीज। विडोज एंड अनमैरिड वीमेन आर जनरली फॉरबिडन। द वीमेन who take part in the Sindoor Khela apply sindoor on the idol's face and feet with betel leaf, offer sweets and smear each other with sindoor. Before the idols are taken away for immersion, they collect a small amount of sindoor from the Devi. As it is believed, it will bestow good health to their husbands when used by them. What is left on the fingers is applied to each other's forehead, faces, chin and cheeks, and also on the noa or the iron bangle worn by every married Bengali woman. The origin of this ritual is unknown, but it is said to have started about 200 years ago. The significance is that the ladies who indulge in this khela pray to Ma Durga for the longevity of their spouses. Usually, unmarried women and widows are barred from participating in the ritual.
but in recent years, some progressive thought has brought changes in the custom. As Ma Durga belongs to everyone, this ritual now includes all women, be it married, widowed, or transgender, to show that this is a universal bonding for all women and not restricted only to married women. This ritual is now also gaining popularity among other communities. So guys, all the rituals were over. बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये ritual करके. बचपन से मैं अपनी मम्मी को ये करते हुए देखती थी. And for the very first time, I did it by myself. And the feeling was amazing. फ्रेश होकर हम आ गए थे लंच करने. वी हैड सम वेरी अमेजिंग वेजिटेरियन बंगाली फूड लाइक शुक्तो, आलू परवल की सब्जी. दीज आर वेरी फेमस वेजिटेरियन फूड. गाइस, वी वर बैक टू आवर होम. यहाँ मेरे बैंगल्स पे बहुत सारा सिंदूर लग गया था, तो इसको मुझे वॉश करना था. एंड मैं अपना स्किन केयर करने लगी थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो गए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, सो आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस शीट मास्क फ्रॉम इनिसफ्री इन ग्रीन टी वेरिएंट. एंड मैंने शैम्पू कंडीशनिंग कर लिया था घर आते, बस बालों में बहुत ज़्यादा सिंदूर लग चुका था. हियर आई एम अप्लाइंग हेयर सीरम फ्रॉम लॉरियल एक्सटेंसो. मास्क फेस पे लगाने से पहले मैं एक हेडबैंड लगा ले रही थी. ये हेडबैंड बहुत ही क्यूट है जो कि मैंने लिया था मिनीसो से. गाइस, मुझे स्किन केयर डेज बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स सो रिलैक्सिंग एंड रिफ्रेशिंग. शीट मास्क को अप्लाई करने के बाद आप जेंटली ऊपर से मसाज कर सकते हैं सो दैट जितना भी सीरम है वो सीप इन हो जाए आपके स्किन में. आई लुक लाइक अ हैप्पी बेबी नाउ. गाइस, यहाँ पे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ लनेज का लिप स्लीपिंग मास्क. ये मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम्स है जो कि ओवरनाइट आपके चैप लिप्स को हील कर देता है. और यहाँ मैं पी रही हूँ गरम गरम चाय. स्किन केयर एंड गरम चाय का कॉम्बिनेशन बहुत ही रिलैक्सिंग होता है. गाइस, इसके बाद हम लोग गए रूफटॉप कैफे में जिसका नाम था राफल बिस्ट्रो. यहाँ का पैन एशियन कुजीन बहुत ही अमेजिंग था. ये दुर्गा पूजा का लास्ट डे था, दशहरा का दिन था. And I was feeling little low because festival was getting over. Durga Puja ki ye 5 din bahut enjoy kiya. And I would like to say Ashche Bochor Abar Hobe, which means it'll happen again next year. Ma Durga will visit us again next year. We enjoyed the food thoroughly and I hope aap logo ko ye vlog bahut achha laga hoga. अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्लॉसम पुरभाषा. मैं आप सभी से मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ. टिल देन, बाय, टेक केयर.